क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट पहले ओके क्वेश्चन नंबर 5 में हाँ जी, ये मैं ट्रू फॉल्स सर, ए वाला ए सर। द रेशियो इन विच द पार्टनर्स, ये पूछा है, द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, दिस इज पार्टनर्स कॉल्ड द गेनिंग रेशियो। क्या कह रहे हैं आप लोग, बाकी लोगों का क्या कहना है इसके अंदर, ये ट्रू है कि फॉल्स है, क्या है, सही है कि गलत है? किसी को भी नहीं मालूम है। सर वो सेक्रीफाइस से होता है। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या फर्म छोड़कर जा रहा है तो उसके लिए क्या दूसरे पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं कि दूसरे पार्टनर्स को बचे हुए पार्टनर्स को शेयर मिलता है, क्या होता है? सर गेन सर करते मेरे हैं। शेयर मतलब जो करते हैं पार्टनर तो जाता है सेक्रीफाइस कहाँ से आ गया, वो तो सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस करता जो कैसे आ जाता है। गया? हाँ सर ट्रू है ना सर? मतलब जो पार्टनर जाता अरे है उसकी वो बात ही कहाँ सेक्रीफाइस। हो रही है, उसकी तो बात ही नहीं हो, जो जा रहा है वो तो गया, यस सर, ये गेनिंग तो रेशियो है। जो मतलब जा रहा है उसकी बात थोड़ी हो रही है, और जो आ रहा है उसकी भी बात नहीं होती। गेनिंग सेक्रीफाइस हम उसका थोड़ी निकालते हैं कि जो आ रहा है जो जा रहा है, उसका तो होता ही है गेनिंग। जो जो नया पार्टनर वो तो गेन करेगा ही करेगा, और जो छोड़ के जा रहा है वो तो सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा। जब भी बात होती है तो बाकी पार्टनर्स की बात होगी ना। तो यहाँ पर यस सर द ट्रू। रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग, अच्छा दूसरा लिखा है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, ये तो बोला ही नहीं है कि जाने वाले के लिए। कंटिन्यूइंग माने जो भी बने हुए पार्टनर, तो किसी पार्टनर के रिटायरमेंट या डेथ से जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका शेयर बढ़ेगा कि कम होगा, ये ट्रू, उसको गेन करते हैं कि सेक्रीफाइस करते बनेगा हैं? गेन करते गेन हैं सर, गेन करते हैं। करते हैं। हाँ तो जैसा चैट में भी दिया हरिओम और जैन ने, ट्रू है ये स्टेटमेंट इसमें। यस सर। और बोले इसके अंदर ट्रू फॉल्स में पहले तो सर डी भी समझा दीजिए। इसमें भी कुछ लोगों ने जवाब दिया है। ठीक है निखिल, आप रिज्वाइन करें, आवाज नहीं आ रही मेरी, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है सर, आ आ रही है सर। रही मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा ओके ओके, निखिल को नहीं आ रही थी इसलिए वो रीज्वाइन कर रहा है, फाइन ठीक है। तो अभी डी वाला पूछा गया है, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि नए पार्टनर की वजह से किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो जो उनका पुराना रेशियो है उसी को हम सेक्रीफाइस रेशियो मान लेते हैं। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन ये कह रहा है। ट्रू ट्रू है सर। यस सर ट्रू है। हम यही करते हैं, अगर हमारा रेशियो 3:2 दिया हुआ है, नए पार्टनर का शेयर 1:6 दिया हुआ है, तो हम ये मानते हैं कि नए पार्टनर को 1:6 पुराने पार्टनर्स 3:2 में दे रहे हैं, हम यही मानते हैं उस चीज के। ठीक है दिस इज इट। दूसरा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं, सर इसमें सर 9th वाला सर। एक एक करके हम ये सब चेक कर लेते हैं क्वेश्चंस को। यस ये ट्रू फॉल्स का सर। इज इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, न्यू पार्टनर इज ऑलवेज अ गेनिंग पार्टनर, नया पार्टनर हमेशा गेनिंग पार्टनर होता है, सही है कि गलत है? सही है सर। ट्रू है सर। ट्रू है ये स्टेटमेंट, ठीक है।
रिकॉन्स्टिट्यूशन में जो रिटायरिंग पार्टनर है वो हमेशा गेनिंग पार्टनर होता है। ए इज अ पार्टनर इन अ फर्म। एक काम करता हूँ कि मैं इसके अंदर इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, लेट मी वर्क इट आउट। ओके ठीक है, मैं आखिर में आ रहा हूँ इसमें। ओके एक काम कर सकते हैं, हाँ सी वाला, इन अ पार्टनरशिप फर्म में सी ही वाज ए ही वाज सैक्रिफाइस द शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 2/5 अर्लियर। जो ए पार्टनर है उसका पहले रेशियो था 2/5, अब हो गया 3/5, तो वो गेनिंग पार्टनर है कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है? गेनिंग पार्टनर। उसका शेयर बढ़ रहा है तो गेनिंग पार्टनर, ठीक है वो गेनिंग पार्टनर। मैं इसमें एक चेंज और करता हूँ, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और डालता हूँ। पार्टनर इन अ फर्म वाज शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4/10, 4/10 ले रहा था ए आफ्टर एडमिशन ऑफ ए एज अ न्यू पार्टनर इस शेयर इज नाउ। अब उसका जो शेयर है वो हो गया है 5/20। उसका 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 शेयर हो गया 7/20, ठीक है। सो जी इज अ गेनिंग पार्टनर। फॉल्स है सर। फॉल्स है, आप लोग बहुत समझदार हो गए। यस सर, फॉल्स है सर। ओके। फिर एक और क्वेश्चन डाल के देखता हूँ, मुझे मालूम पड़े ना आप लोग कितने समझदार हो गए, ठीक है। लोग आ रहे हैं, ऐसा है 5,000। तो इसके अंदर पी की क्या हालत है, पहले 3:7 रेशियो था एम एन पी एम एन और पी में, अब एन पी आर हो गया तो इसका 5:7:3 हो गया। फॉल्स है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। यस सर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। यस तो ठीक है, फिर आपको थोड़ा थोड़ा अब चीजें समझ में आ रही, ठीक है। तो हम आगे बढ़े, अब इसके अंदर आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन अ पार्टनर इज फर्म इज रिक्वायर्ड, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये हमने डिस्कस किया। थर्ड क्वेश्चन, एबीसी पार्टनर्स हैं, वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में बांट रहे हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद उनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 1:2:2।
अब आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए बी सी या डी? सर डी। सर सी गेनिंग पार्टनर है डी वाला। सर डी। डी स्टेटमेंट सही है। ओके, ए इज द गेनिंग पार्टनर, ए इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड सी इज द गेनिंग पार्टनर। ठीक है। यस सर। यस सर। अब ये थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में ए बी ए एंड बी पार्टनर्स हैं 2:1 में, एडमिशन के बाद में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका हो गया 2:1। अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? सर सी। सर सी। सर सी। सी सही है ना? ए एंड बी बोथ आर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यस सर, दोनों सैक्रिफाइस। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो 66 और 33 अब इनका हो गया। सर सी के आ जाने से दोनों को सैक्रिफाइस करना पड़ता। ऐसा है क्या? यस सर। जरा निकालिए फिर से इसके अंदर। दोनों नहीं सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सी के आने से फोर्थ क्वेश्चन का सी आंसर नहीं है। सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। बी आएगा सर। सी गलत है सर, सी गलत है। कौन सा आंसर सही है फिर? बी गेन कर रहा है नहीं सैक्रिफाइस, तो बी वाला सही। डी के बॉम्बे वाला बी क्या है सर? ए सैक्रिफाइस कर रहा। यस सर, ए सैक्रिफाइस और बी गेनिंग पार्टनर। बी वाला, बी गेनिंग पार्टनर, सी भी गेनिंग पार्टनर। ओके ठीक है, तो यहाँ के अंदर जो ए सैक्रिफाइसिंग है और बी गेनिंग है, सी तो खैर है ही है, ए सैक्रिफाइसिंग और बी गेनिंग है। तो फोर्थ का बी करेक्ट आंसर है। फिफ्थ का फर्स्ट सर सर बी। फोर्थ वाले में भी जो आप पूछे थे उसमें बी जो है सैक्रिफाइस कर रहा है, ए गेनिंग कर रहा है। सॉरी सर, बी गेनिंग कर रहा है, ए सैक्रिफाइस। अब वही बोला ना मैंने, बी वाला स्टेटमेंट, ए सैक्रिफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है। फिफ्थ वाले में बताइए। ए। ए। यहाँ पर ये दिया नहीं है कि कौन पार्टनर कितना किसको सैक्रिफाइस कर रहा है, इसलिए यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो 3:2 ही आएगा पुराने पार्टनर्स का। अभी yes, अपन ने देखा yes, ठीक है, जेड के लिए कौन कितना दे रहा है दिया नहीं है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ लास्ट में, जिससे वो चेंज नहीं हो सीक्वेंस। इसका क्या आंसर आएगा? मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आप बताइए। 2:1। 2:1 होगा सर। हाँ जी, और क्या आएगा ना? यस सर, आपने एलडी, आपने एलडी दिया। 2:1। अच्छा ऐसा है। यस सर। तो आप इसके अंदर जो मुझे कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो दो तीन ऑप्शंस हैं यहाँ पे जी और ओके जी और के आएगा, ठीक है। न्यू रेशियो सर वही उसका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। अच्छा ओके, तो आपका इसमें कहना एक तो मैं 2:1 का रेशियो ले लेता हूँ, एक 1:1 का रेशियो ले लेता हूँ, एक 1:2 का रेशियो ले लेता हूँ, और यहाँ पे एच रिटायर हो गया है, एच रिटायर हो गया है, तो हमें जी और के का रेशियो चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऊपर एक दे देता हूँ ऑप्शन आपको, 2:2 सर। 2:2 दे देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपके हिसाब से? बी नंबर। बी नंबर सर। 2:1। बी नंबर सर।
इसका मुझे आंसर आप दे सकते हैं 13 क्वेश्चन का? यस सर। 3:1 ध्यान से पढ़िए जरा क्वेश्चन को। इसका आंसर क्या हो सकता है देखें जरा आप। ए में छोटा सा मैंने एक चीज की है। ओके इसका आंसर क्या होगा? अक्षरा ने भी एक जवाब दिया है। अभी बाकी लोगों का आई थिंक अभी का ही है जवाब। ओके और बताइए कोई और सही आंसर कुछ हो सकता है? Anybody else? देखिए इसके वाले का जो ऊपर वाले का आंसर है वो बी है जो कुछ लोगों ने भेजा है 1:3। मैंने यहां पर N और F का पूछा है तो पहले आपको N का बताना है बाद में F का बताना। आप 3:1 नहीं बोलेंगे, आप इसको 1:3 बोलेंगे। क्वेश्चन में कुछ क्या पूछा है? सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ N एंड F। मैं N और F का सैक्रिफाइस रेशियो आपसे पूछ रहा हूँ। तो F ने तो दिया 3/4 और F ने और N ने दिया 1/4, तो ये N और F का रेशियो हो गया 1:3। Yes, sir. तो कुछ लोगों ने डाला आंसर इसका सही है। के के की बात करते हैं, 14th क्वेश्चन की बात करते हैं, 14th वाला। 14th के अंदर सैक्रिफाइस रेशियो कितना कितना आएगा बताइए जरा। 14th के अंदर सैक्रिफाइस रेशियो क्या आएगा? फोर्टीन्थ वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लग रहा है कि सैक्रिफाइस रेशियो होगा? कोई मुझे ऑप्शन दे सकता है? यस सर दे रहे हैं। अच्छा कुछ लोगों ने भेजा है क्या? ओके
ठीक है, जैन को नहीं आया। एनीबडी एल्स? टू इज टू फाइव जो भी आप भेजिए, जरा चैट में भेजिए मेरे को, मैं देखता हूँ। ओके 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 क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं जरा मैं देखूं। ओके, टू इज टू फाइव का एक ऑप्शन आया है, वन इज टू वन का आया है, फोर बाय फाइव का आया है, और किसी का कोई ऑप्शन? देखिए यहां पर क्वेश्चन के अंदर जरा सा छोटा सा पॉइंट है, बाकी इसके अंदर अपन कैलकुलेशंस कर रहे हैं अगर आप, तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इनका शेयर है फोर इज टू फाइव का, अपने शेयर का आधा ये दे रहा है, अपने शेयर का आधा दे रहा है, जो इसके शेयर का आप आधा निकालेंगे, इसके शेयर का आधा निकालेंगे, वो भी फोर इज टू फाइव ही आएगा। यस सर, वो आएगा ही आएगा, फोर इज टू फाइव, आधे से आधा। यस सर, यही है। तो इसलिए इनका सेक्रीफाइस रेशियो भी फोर इज टू फाइव ही हो जाएगा। यस सर, है ना, दिखने में क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन इसमें है ही नहीं कैलकुलेशन। फोर इज टू फाइव का फोर, ये क्या है, फोर बाय नाइन का आधा आप निकालोगे इंटू वन बाय टू, और फाइव बाय नाइन का आप आधा निकालोगे, चार बटे तो भी वो फोर इज टू फाइव ही आएगा, उसका रेशियो फोर इज टू फाइव ही आएगा, क्योंकि दोनों अपने शेयर का आधा दे रहे हैं, दोनों अपने अपने शेयर का आधा दे रहे हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर सकता हूँ। देखिये क्या होता है, ऐसे घूमते हैं, बाकी इसमें कोई बहुत दिमाग वाला है वो नहीं है, बस थोड़ा सा पकड़ में आना चाहिए एकदम से। मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको बना रहा हूँ, देखिए मैं इसको बनाता हूँ, आपके सामने ही है, मैं कोई एकदम और ये नया ही बना रहा हूँ, इसमें नई चीज नहीं कहीं से कॉपी किया हूँ। ये W और X पार्टनर्स है, और इनका रेशियो मैं दे देता हूँ, थोड़ा सा लग देता हूँ, सेवन इज टू फाइव दे देता हूँ, चलिए। और Y इज एडमिटेड, नया पार्टनर आया है, और W एंड X बोथ सैक्रिफाइस वन थर्ड ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ जी, व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ए बी, व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ जी की डब्ल्यू एंड एक्स, ये आ गया, ठीक है। व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ डब्ल्यू एंड एक्स? है ना, मैं वही कह रहा हूँ, देखिए कहने को ऐसा लग रहा है कि वो कितना और इतनी कैलकुलेशन इनटू थ्री करो और ये निकालो और वो निकालो, ऐसा कुछ भी नहीं। यस सर, सात अल्फा से पांच, ठीक है, इसमें सात अनुपात पांच ही आएगा, क्योंकि वो उनका वन थर्ड, वो भी वन थर्ड दे रहा है, वो भी वन थर्ड दे रहा है, तो वो भी जो मिलेगा उसको उसका वन थर्ड मिलेगा, तो ये एक अगर सर बराबर बराबर देंगे तो ही आएगा, अगर अलग अलग शेयर देंगे जैसे तो उनका आंसर अलग अलग। ओके ओके ओके, समझ गया। अच्छा एक सेकेंड इस क्वेश्चन को देखिए, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ आपके सामने, अब आपको समझ में आएगा, एक सेकंड, समझ गया वो क्या कहना चाह रहा है। सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ थ्री टू सेवन,
he is admitted as a partner for one by six share. She takes from C and D equally. What is the sacrifice ratio of C and D? C और D का sacrifice ratio क्या आएगा? क्या आएगा बताइए जरा. नहीं यहाँ पे क्वेश्चन वन इज टू वन, वो वन इज टू वन में ले रहा है सर, इक्वल ले रहा है सर, तो वो अपना शेयर इक्वली ले रहा है तो वन इज टू वन ही आएगा. हमने इक्वल देखा ही नहीं है ना. देखिए मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन को बस थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए, बस समझ में आ जाएगा. सेवन में जाए, इसमें इसके अंदर कुछ ज्यादा है ही नहीं. ठीक है, इसके अंदर एक ऑप्शन आप लोगों ने दिया 7:5 वो डाल देता हूँ. तो ये क्वेश्चंस के अंदर छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान रखना. चलिए वापस आ रहा हूं मैं ऊपर जहां से मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया था. ये आप करेंगे, ये आप करेंगे, मैंने आपको बता दिया. एट्थ वाला क्वेश्चन, अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर का शेयर अपने पुराने रेशियो में ही गेन करते हैं तो क्या होगा? हिंदी में एक बार रिपीट कर दीजिए. इसके अंदर हिंदी में यह है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो अभी पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर और कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसका शेयर वो पार्टनर्स जो है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स वो अपने पुराने अनुपात में ग्रहण करते हैं, पुराने अनुपात में ग्रहण करते हैं तो क्या होगा? सर बी आएगा. सर बी, बी होगा. यस सर, बी आएगा, बी आंसर आएगा. जो उनका गेनिंग रेशियो है वो पुराना अनुपात हो जाएगा और वही उनका आपस का नया रेशियो हो जाएगा. यस सर, न्यू रेशियो वुड बी सेम एज अगेन. सर ओल्ड रेशियो जो है वही न्यू रेशियो. हां ठीक है, ये फॉर्मूले तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ या मैंने अभी आपके साथ में, ये आप कर रहे हैं. ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं. बी इज अ पार्टनर इन अ फर्म. अब इसका आंसर सबने सॉल्व कर लिया है क्या? सर उसका आंसर क्या था? किसका? एट का बी था ना, एट वाले का. एट का बी, बी बी एट का बी है क्योंकि वो जब उनका उसी रेशियो में गेन कर रहे हैं तो वही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर थ्री, ये आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर. बी पार्टनर है फर्म के अंदर, वो 49 शेयर प्रॉफिट में उसको पहले मिल रहा था. सी के एडमिशन के बाद में शेयर ऑफ बी जो है वो 3/9 हो गया. तो सी क्या है? गेनिंग पार्टनर है. बी इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर पहले 4/9 था, अब 3/9 हो गया. अब थर्ड के बी का क्या आंसर है? थर्ड के बी का क्या आंसर? अच्छा 2/9. एबीसी पार्टनर्स है फर्म के अंदर, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए इज दिस एंड बी इज दिस. हाँ ठीक है, एबीसी पार्टनर्स है, 9 टोटल शेयर बनता है, 3/9 ए का हो गया, 2/9 बी का हो गया, तो सी का शेयर 4/9 बी का हो गया, तो 2/9. ठीक है ठीक है, सी का बताइए. 2/5. ई का बताइए. Three to two is to one. Yes, sir. 3-2-1. 3-2-1 में ही देंगे वो लोग उसको.
क्योंकि और तो कुछ दिया ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो 3-2-1 में ही देंगे वो। एफ वाले में सी डी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनका है 4:3:5 का है, डी की डेथ हो जाती है, द न्यू रेशियो ऑफ सी एंड ई वुड बी 4:2 का मतलब हो गया 2:1 तो ये एक चीज है। अब देखिए जहां तक मैं जो समझ पा रहा हूँ आप लोगों से डिस्कस करके कि अब आपको रेशियोज तो काफी कुछ क्लियर हो गए, इससे ज्यादा रेशियो आपको भी चाहिएंगे नहीं, मैंने काफी प्रैक्टिस करा दी रेशियोज के अच्छे से, तो रेशियोज आपके हो गए। अब हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने की स्थिति में आ रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में ये रहता है कि मैंने आपको 2-3 चीजें बता दी है, जनरल रिजर्व वगैरह का बताया है। अब इसके अंदर 2 चीजें बची हुई, गुडविल की एक एंट्री बची हुई है और एसेट्स लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन, वो भी मैंने बताया आपको पुनर्मूल्यांकन वाला पॉइंट, ठीक है, वो एक पॉइंट है जो मुझे आपको ये 2-3 चीजें बतानी है, इसके बाद आप जो है और ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन इसके कर पाएंगे। आपने सॉल्यूशन बना लिया? नहीं अभी नहीं बनाया इसका सॉल्यूशन, ठीक है, तो वो आप ज्यादा ज्यादा इनके क्वेश्चंस को कर पाएंगे तो वो सर आपने जो भी क्वेश्चन ऐड कर वो सेंड कर दीजिएगा, वो मैं अभी पूरी सीट आपको रिवाइज करके भेजूंगा, इसमें हिंदी वाला भी मुझे डालना है, वो चल रहा है प्रोसेस में, यस सर हिंदी में भी बनाऊंगा तो मैं भेज दूंगा, उसके लिए थोड़ा सा आप रुक जाइए, अभी करा दिया है तो एकदम से आज नहीं आएगा, थोड़े दिन में आ जाएगा आपके पास, यस सर।